हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेवी का 29 अगस्त का स्टेज टू का रिव्यू। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का रिव्यू लिया है मैंने, जो व्हाट्सएप रिव्यू है वो, प्लस एक दो कैंडिडेट्स ने ऑडियो रिव्यू भी भेजा है। लगभग 7 से 8 मिनट में पूरा रिव्यू बताया कैसे क्या है, और आपको सजेशंस भी दिए हैं कि कैसे क्या आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं जिससे आप आउट होने से बच सकते हैं। आउट हो गए फिर से आपकी जर्नी वहीं जीरो से स्टार्ट हो जाएगी, आउट नहीं हुए सेलेक्ट हो गए तो आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ जाएगी, राइट। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। गर्ल्स का रिव्यू आप लोग कल मांग रहे थे, कल नहीं था लेकिन आज बहुत अच्छा रिव्यू आया है गर्ल्स का। नेवी में स्टेज टू जैसा बॉयज़ का हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, आपको पता है, वैसा गर्ल्स का नहीं हो रहा। दोनों में डिफरेंस है तो दोनों के बारे में आपको बताऊँगा। गर्ल्स के बारे में तो पूरा रिव्यू मैं आपको दूंगा, एक एक डिटेल से बताऊँगा कि आखिर गर्ल्स का रिव्यू, गर्ल्स का जो स्टेज टू है वो कैसे हो रहा है। तो वीडियो बड़ी होगी लेकिन हेल्पफुल होगी काफ़ी, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। जब आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे तो काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। स्टेज टू में आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बेस पे ही मेरी लिस्ट बनती है फाइनल। तो SSR की तो स्टेट वाइज बनेगी, आपको स्टेट का फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन MR की ऑल इंडिया बनेगी। तो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को रटो, कुछ और मत पढ़ो। जैसे फुल फॉर्म है, 3, 4, 5 फुल फॉर्म तक आपको देखने को मिल रहे हैं स्टेज टू में नेवी SSR में, तो फुल फॉर्म रटो। कैपिटल एंड करेंसी तो फिक्स है, मैंने टेलीग्राम पे जितने डाल दिए हैं सब की सब, किसी भी शिफ्ट में पूछ ले नेवी, उसके बाहर से नहीं पूछेगा। तो 27 अगस्त को टेलीग्राम पे डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो 27 अगस्त को टेलीग्राम पे जितना भी GK डाला है उससे काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा है, जबकि मैंने पूरा नहीं डाला था। मैं थक गया था तो मैं चला गया था कि अब चलो तैयारी तो है ही, अब ज़्यादा नहीं डालते हैं। जितना मैंने डाला था उससे काफ़ी सारा आ रहा है। कैपिटल एंड करेंसी जितने उसमें डाली हैं रट लेना, सब उसी के अंदर से आपको मिलेंगी। MR की जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया बनेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए, आप कब जा रहे हैं सेंटर, आपका कब है स्टेज टू, और इस तरीके की फ़ोटो आप कब खींच के भेज रहे हैं, आप भी भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जो भी आपके पास है। चलिए हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मोहम्मद सरीक का रिव्यू। PFT क्वालिफाइड कैंडिडेट, रिटर्न दिया और मेडिकली भी फिट कैंडिडेट, देहरादून सेंटर का ये रिव्यू है। तो जिनका भी देहरादून सेंटर में है देख लो ये रिव्यू। देहरादून सेंटर में 150 की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 117 कैंडिडेट आपके फर्स्ट शिफ्ट में प्रेजेंट हुए, 150 में से, अच्छा 117 में से 46 कैंडिडेट्स आपके PFT में ही आउट हो जाते हैं। बाकी 2 से 3 कैंडिडेट्स सिट्सअप होता ही नहीं है, मतलब बॉयज़ में, तो स्क्वाड्स और पुशअप में आपके 2 से 3 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। टोटल 117 में से 71 जो कैंडिडेट हैं वो आपके PFT यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। 22 मेडिकली फिट थे 71 में से, और 49 आपके री मेडिकल दिया गया। 29 अगस्त को छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा री मेडिकल दिया गया है। उन री मेडिकल्स को आप MH जो उन्होंने आपके जो मिलिट्री सेंटर, जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स है वहाँ पे आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाहर कहीं भी मत दिखाना, 21 दिन के अंदर आपको सही करना है। बाकी ये जो कैंडिडेट हैं ये भी फिट हो गए थे, इन्होंने बताया कि मेरा बस मेरिट बाकी है। तो अब मेरिट आएगी, इन्होंने स्टेज टू में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो परफॉर्मेंस दी होगी, क्योंकि PFT मेडिकली क्वालिफाई है तो वहाँ पे यस लिख के आएगा। अगर नंबर भी अच्छे आएंगे तो ऑब्वियस बात है कट ऑफ क्लियर करेंगे, तो इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में आना कंफर्म हो गया। रनिंग में 15 का ग्रुप बना रहे थे, जिसमें से 7 से 8 बच्चे पर ग्रुप क्लियर कर पा रहे हैं। तो सीधा सीधा आप ये समझ लो कि 50% जो कैंडिडेट्स है वो आपका रनिंग में ही बाहर हो रहा है। अगर आप रनिंग निकाल लेते हो देन आपका आगे फिर जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो नॉर्मल ही है, अगर आप रनिंग ही नहीं निकाल पाओगे तो फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, सारी तैयारी आपकी बर्बाद चली जाएगी। तो रनिंग निकालो, इसके बाद एग्ज़ाम आपको नॉर्मल ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी होने की ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्मल पेपर है बस, काफ़ी है, हार्ड नहीं है, नॉर्मल मिल रहा है, इतना तो पढ़ाई की है, स्टेज वन निकाले हो। तो टोटल 117 कैंडिडेट्स में से 22 जो कैंडिडेट हैं वो फिट हुए, बाकी को री मेडिकल मिल गया। ये चौधरी कैंडिडेट हैं, तो चौधरी साहब का रिव्यू देख लेते हैं। तो इनका भी देहरादून का ही रिव्यू है, तो अब देहरादून का ऊपर देखा तो इनकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो, इनका जो शिफ्ट है वो अलग था, इनका जो रिपोर्टिंग टाइम थी वो 9 बजे थी, और इनको जो एंट्री मिली, जो रिपोर्टिंग टाइम इनकी हुई वो 10 बजे हुई। तो 9 बजे थी लेकिन 10 बजे हुई, और तब तक रिपोर्टिंग हुआ, उसके बाद 3 से 4 घंटे बिठा के रखा। 10 बजे रिपोर्टिंग हुई, 4 घंटे बिठा के रखा, और इसके बाद PFT के लिए ले गए, जिसमें पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ फिर PFT के लिए ले गए। बाद के बाद वहाँ रनिंग हुई थी और 2 बजे रनिंग हुई थी। अब बताइए 10 बजे एंट्री हुई है, 4 घंटे बिठा के 2 बजे यहाँ पर इनकी रनिंग हुई है।
अब 2 बजे जब रनिंग हो रही है, इसके बाद कुछ टाइम और बैठाएंगे। मोस्टली बच्चे पास हो गए थे, लगभग 55 कैंडिडेट आपके आउट हुए थे PFT में। फिर 3 बजे 1 घंटा बिठाया और 3 बजे के आसपास इनका एग्ज़ाम लिया। तब 4 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना, तो अब इसके बाद मेडिकल होना तो मान लो थोड़ा सा मुश्किल है। तो 4:30 बजे इनको जाने दिया गया कि आप जाओ, आपका जो मेडिकल है वो आपका कल होगा। तो इसलिए इनका मेडिकल नहीं हुआ क्योंकि लेट रिपोर्टिंग हुई। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। काफ़ी सारे सेंटर्स पे या तो बच्चों की वजह से, स्टेंट की वजह से, या फिर कुछ अदर फैक्टर की वजह से हो सकता है आपका सिर्फ PFT और एग्ज़ाम हो। मेडिकल के लिए आपको अगले दिन बुलाया जाएगा। तो जैसे इनका आपका अगले दिन बुलाया गया तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा अगले दिन के लिए। अगला रिव्यू उमेश शर्मा का है, ये भी देहरादून सेंटर का है। तो 150 की रिपोर्टिंग थी, 117 ऑलरेडी कैंडिडेट ने बताया, 46 PFT आउट। ये भी पहले वाले कैंडिडेट ने बताया था, ठीक है। मोस्टली रनिंग में ही आउट हो रहे हैं बस, ठीक है। जैसे रनिंग क्लियर कर लिया, उसका पुशअप और स्क्वाट्स आराम से लग जाएगा। तो बस आपको रनिंग क्लियर करनी है। पुशअप और स्क्वाट्स में से बिल्कुल भी होल्ड नहीं करवा रहे हैं पुशअप और स्क्वाट्स में, बस रनिंग क्लियर कर लो कैसे भी। अगर रनिंग क्लियर कर लोगे तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हैं। उसके बाद भैया पता नहीं हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि ये जो कैंडिडेट था इन्होंने बोला कि रनिंग में मोस्टली आउट हुए सब, उसी में से मैं भी एक हूँ। तो ये भी आपके रनिंग में आउट हो गए, PFT में ही आउट हो गए। तो उसके बाद की जानकारी नहीं पता है। तो इसी सेंटर का रिव्यू ऊपर कैंडिडेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट ने दिया है, लेकिन ये PFT आउट कैंडिडेट है। इन्होंने एक रिव्यू दिया जो यहाँ का ट्रैक है वो सही नहीं है और ऊंचा नीचा था, जबकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई है। तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात मानो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, जाटनी का रिव्यू है, एक गर्ल्स कैंडिडेट का रिव्यू है। ये छोटा सा रिव्यू है, अभी मैं गर्ल्स कैंडिडेट का बहुत अच्छा रिव्यू दूंगा। तो इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम जो था वो बहुत ईजी था, बहुत ईजी मतलब बहुत ईजी था इनका। GK में सर डांस से क्वेश्चन था, लैंग्वेज भाषा से क्वेश्चन था, कैपिटल एंड करेंसी तो फिक्स आ ही रहा है, और रिकॉर्ड तोड़ फुल फॉर्म आ रहे नेवी में, जबकि दो से तीन फुल फॉर्म मैक्सिमम आते थे, इस बार 4 से 5 फुल फॉर्म गर्ल्स के पेपर में मिला है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, फुल फॉर्म कैपिटल करेंसी रट लीजिएगा। रीजनिंग तो सर बिल्कुल ईजी थी, और मैथ थोड़ा सा टाइम वाला था, और बाकी सब ईजी ही था। तो अब इससे बात है, GK और इंग्लिश आपको ईजी मिलेगी, मैथ और फिजिक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको मिलेगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब पेपर बढ़िया आ रहा है। अब देखिए, एक कैंडिडेट का रिव्यू है, ये गर्ल्स कैंडिडेट का रिव्यू है, और बहुत अच्छा रिव्यू है, डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। लास्ट में मैं ऑडियो भी डालूंगा बॉयज़ के लिए, एक 7 मिनट का ऑडियो है, वो भी सुन के जाइएगा। तो पीना का ये रिव्यू है, समझिए। SSR नेवी PFT। सर जी, मैं सुबह 5 बजे नौसेना बाग चाणक्यपुरी पहुंच गई थी, मेरा फिजिकल वहीं था। हमारी एंट्री 5 बजे पहुंच गई थी, हमारी एंट्री 5:30 पर स्टार्ट हो गई थी, जबकि रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे है, इसलिए मैंने बोला था आप 1 घंटे पहले जाइए। अगर आप 6 बजे के पहले भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट चेक हुआ, उसके बाद बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज कराई, फिर उसके बाद हमारी रनिंग स्टार्ट हुई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, बॉडी स्टिचिंग हुई, इसके बाद रनिंग स्टार्ट हुई। 20 गर्ल्स का बैच था सर जी, और उनको जो सेंटर है वहीं पर उसके 3 राउंड 8 मिनट में लगाने थे। गर्ल्स को सर जी मैं 3rd नंबर पर थी। हमारे बैच में 11 लड़कियों का फिजिकल हुआ, 20 में से 11 का फिजिकल हुआ। ध्यान दीजिएगा, गर्ल्स रनिंग के बाद स्क्वाट्स और सिट्सअप कराए, ठीक। मेरे बैच में 2 गर्ल्स का सिट्सअप नहीं हुआ, 2 गर्ल्स का सिट्सअप नहीं हुआ। फिर उनके साथ क्या हुआ देखिए, तो उनको बोला गया वो किसी भी तरीके से बस 2 सिट्सअप करके दिखा दो, आगे सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी और उन्होंने किया भी नहीं। फिर भी इसके बावजूद उनको बाहर नहीं किया गया, क्योंकि गर्ल्स के लिए वैकेंसी बहुत है और
अगर रिपोर्टिंग कम है तो फिर बाहर नहीं किया जाएगा। तो उनको बाहर नहीं किया गया जबकि वो सिट्स अप नहीं कर पाई, दो लड़कियां। उसके बाद हमें ग्राउंड में बैठाया और वहां पर हमें 3 फॉर्म दिए भरने के लिए, जो कि हमारे मेडिकल से रिलेटेड थे। एक किट दी जिसमें हमें अपना यूरिन लगाना था, और फिर उसके बाद हमें सर ने जिस किट पर यूरिन लगाया था वो चेक की और डस्टबिन में डलवा दी। उसके बाद हमें गेट से बाहर ले जाया गया। फिर हमें एक बस में बैठा कर अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया गया। अल्ट्रासाउंड से पहले हमें 2 लीटर वाटर, मतलब 2 लीटर पानी पीना था। और फिर उसके बाद हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें कि हमारी किडनी और लीवर के साइज को चेक किया। अल्ट्रासाउंड के लिए हमें आईनेस इंडिया में लेके गया था, ले जाया गया था। तो यहाँ पे गर्ल्स में आपने देखा कि पहले पीएफटी हुआ और फिर मेडिकल हुआ, जबकि रिटेन नहीं हुआ है। तो अगर आप पीएफटी क्वालिफाई करते हो देन आपका मेडिकल होगा। देखिए, मेडिकल हो या रिटेन हो, बात तो वही है। रिटेन में बाहर तो तुरंत किया नहीं जाता है, वो तो रिजल्ट बाद में आता है। तो रिटेन हो जाता है, इसके बाद मेडिकल हो जाता है, या मेडिकल पहले ले लो बाद में रिटेन ले लो, बात वही है ना। तो आईएनएस इंडिया में इनको ले जाया गया अल्ट्रासाउंड के लिए। आगे की कहानी समझिए। अल्ट्रासाउंड होने के बाद बस में बैठा कर हमें वापस कैंप आ गए, हम वापस कैंप आ गए। उसके बाद हमारी हाइट, वेट और चेस्ट और डेंटल और आई टेस्ट, और इसके बाद हमें एक कमरे में अंदर ले जाया गया जहां हमारा फुल बॉडी चेकअप हुआ। तो वहां से अल्ट्रासाउंड होने के बाद वापस आते हैं सेंटर पे, और वहां पे आपका हाइट, वेट, चेस्ट, डेंटल और आई टेस्ट हुआ, और कमरे के अंदर फुल बॉडी चेकअप हुआ। उसके बाद हमसे एक फॉर्म और फिल करवाया, और उसके बाद हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठाया गया। ठीक है, एक फॉर्म फिल कराया, उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठाया गया। तो पहले पीएफटी हुआ, मेडिकल हो गया, और उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठा दिया गया। ऐसा नहीं कि मेडिकल हुआ, मेडिकल में जो अनफिट था उनको वहीं से बाहर कर दिया गया, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद 20 मिनट का ब्रेक मिला लंच के लिए। लंच अपना घर से लेके जाना है आपको, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अपना लंच वगैरह खुद लेके जाइएगा। उसके बाद लास्ट में हमारा फर्स्ट स्टेज वाले एडमिट कार्ड का हॉल टिकट नंबर पूछा और हमारी फ़ोटो क्लिक की, और फिर बहुत देर तक बैठा के रखा। बैठा के रखने के बाद उसके बाद लास्ट में हमें हमारे मेडिकल टेस्ट के बारे में बताया गया। उसके बाद लास्ट में हमें हमारे मेडिकल टेस्ट के बारे में बताया गया, फिट या अनफिट। ठीक है, जिनका अनफिट है उन्हें एक रिव्यू लेटर दिया, 40 रुपये फ़ी लगेगी और 21 दिन टाइम दिया गया। दिल्ली कैंट बेस हॉस्पिटल, जो एमएच है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, में 11 सितंबर से 19 सितंबर के बीच कभी भी आ सकते हैं और अपना जो जो भी आपको रिमेडिकल दिया गया वो चेकअप करा सकते हैं, सही करा सकते हैं। तो 5:30 पर हमें बाहर निकाला, तो 5:30 पे इनको बाहर निकाल दिया गया। मैंने एक बार फिर से कंफर्म किया कि पहले पीएफटी, फिर मेडिकल और फिर एग्ज़ाम हुआ क्या, तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी और बाकी उन्होंने रिव्यू में भी बताया। तो ये गर्ल्स का रिव्यू है, क्लियर, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से और बड़े प्यार से आपका जो स्टेज 2 है वो निकलेगा। एग्ज़ाम भी बहुत आसान हो रहा है। तो ये था गर्ल्स और बॉयज़ का रिव्यूज़। अब मैं आपको एक ऑडियो डाल देता हूँ, 7 मिनट का, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिव्यू है जो कि हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो रिव्यू है मैं डाल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे 27 तारीख को जो पढ़ाया वो पढ़ लेना, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। कल रिव्यू चाहिए तो वो उसका बारे में भी बताइएगा वीडियो पे कि हाँ उसका रिव्यू चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो, मेरा नाम सोहेल खान है। मेरा आज जो गुजरात में जामनगर INS वलसुरा जो मेरा सेंटर था स्टेज 2 के लिए, तो वहाँ पे आज मेरी 7:30 की 2nd शिफ्ट में था मेरा PFT। तो मैं वहाँ पे
6 बजे के लगभग पहुंच गया था, तो 6:30 के बाद में वो उन्होंने अंदर लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें मूल निवास प्रमाण, डोमिशियल सर्टिफिकेट और फिर आधार कार्ड और क्या नाम उसका 10+2 की मार्कशीट, मतलब कि 10 की और 12th की से दोनों की, और फिर वो जो है उनकी जेरोक्स भी मांग रहे थे जो वहाँ पे निकाल रहे थे हाथों हाथ, जेरोक्स भी वहाँ पे निकाल रहे थे, जेरोक्स भी वहाँ पे लगती है। ठीक है, तो हम मैं लेके नहीं गया, सारे नहीं लेके गए, तो वहाँ पे वो निकाल रहे थे, अगर कोई वहाँ पे तो थी मशीन, अगर नहीं होती तो फिर दिक्कत देता है वो जेरोक्स वाला। तो फिर वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद आगे और जाते हैं, तो एक बार और वेरीफिकेशन होता है, और जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 का सबका जो है वो एडमिट कार्ड दोनों का चाहिए होता है, वो तो मैंडेटरी है। और उसके बाद में आगे जाने के बाद आपको हमें जो वापस चेक किया गया था, 3 बार हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुआ था। ठीक है, उसमें यही मार्कशीट वगैरह यही एडमिट कार्ड देख रहे थे वापस से। फिर उसके बाद हमें वापस वहाँ पे बैग वगैरह वो सारा सब कुछ, हमें कपड़ा वपड़ा जो भी एक्स्ट्रा था वो निकाल रहे थे, निकाला। फिर हमें एक पॉलीथीन की थैली दी, उसमें हमें एक टोकन जो हमारा बैग का था टोकन, और फिर एक पेन और 6 फोटोज़ और दोनों एडमिट कार्ड जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के, और एक पेन था। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, वो बस वो दिया। और फिर हमें वहीं पे हमने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि उसके बाद में टाइम नहीं मिलता, तो वहीं पे नाश्ता करने के बाद हमने कुछ खाया भी है थोड़ा सा, और वॉशरूम भी कर लिया था उसी टाइम। फिर हमें सीधा बस से लेके गए INS वलसुरा के अंदर, जो सेंटर था मेन, वहाँ पे लेके गए। ठीक है, वहाँ पे ले जाते ही हमें सीधा हमें चेस्ट नंबर दिया, चेस्ट नंबर देने के बाद हमारा सीधा PF जो फिजिकल का रनिंग था वह हुआ, नॉर्मल हुआ था, मेरा क्लियर हो गया था। और उसमें लगभग मेरी शिफ्ट में जो है 41 बंदे थे जो मेरी, मतलब मेरे बैच के, तो सेकंड शिफ्ट में मतलब रनिंग के लिए हमारा ग्रुप था वो 41 का ग्रुप था, जिसमें से हम बस 17 ही पास हुए थे, हुए तो 19 थे लेकिन उनको 2 को पुशअप में निकाल दिया था, तो 17 हम करके हम पास हुए थे। ठीक है, तो फिर वहाँ पे 17 को वापस वहाँ पे हमारा डेंटल वगैरह वो डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफिकेशन हुआ डॉक्यूमेंट वाला, और फिर हमारा डेंटल चेक हुआ, और डेंटल होने के बाद हमें सीधा पेपर के लिए लेके गए। पेपर वहाँ पे हमारा जो हुआ, पेपर जो हुआ बहुत ही, मतलब कि इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं उसको, इंग्लिश में बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही नॉर्मल जो जो उसमें है, मतलब कि बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा, बस वही फ्रेजल वर्ब वगैरह हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, पैसेज हो गया, और टेंस हो गया, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनके फिक्स क्वेश्चन मान लो यही बस आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा बस, और वो है बाकी के ग्रामर के जो भी टॉपिक है उनसे छोटे एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में आए थे, और उसके बाद में जो GK का क्वेश्चन थे वो बहुत ही ईजी थे, जैसे कि हो गया मणिपुर, नहीं क्या बोलते उसको, नागालैंड की राजधानी पूछी थी, और उसके बाद में तुर्की की वो क्या बोलते उसको मुद्रा पूछी थी, और 3-4 वो आई थी फुल फॉर्म आई थी, और बहुत ही, और बिहू असम का जो नृत्य है वो भी आया था उसमें, और एक नेशनल लीग ऑफ असम ऐसा ही कुछ था, मतलब कि पार्टी का नाम था, कौन सी ये लोकप्रिय पार्टी, किस देश की लोकप्रिय पार्टी है, ऐसा कुछ, मतलब कि फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि टॉपिक्स में होते हैं, वो घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सीधा क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे GK और इंग्लिश के तो। और जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो थोड़े मॉडरेट, 5-7 तो हमारे न्यूमेरिकल आए थे। ठीक है, और 5-7 वन लाइनर आए थे जो सीधा देखते ही टिक होने वाले थे। और उसके बाद में जो क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री वगैरह के वो भी क्वेश्चन, वो तो मैंने पढ़ी नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जो पढ़ते हैं उनके लिए ईजी थे होंगे वो, क्योंकि बहुत ही सीधा दिख रहा था वो तो। ठीक है, और उसके बाद में जो मैथ की थी, मैथ में इतना टाइम तो नहीं मिलता क्योंकि बाकी का कवर करते, तो इतना टाइम मुझे तो नहीं मिलता, मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने क्या किया, सीधा जो मेरे को आ रहे थे पहले वो उनको मैंने कर लिया फटाफट से। ठीक है, और उनके बाद मैंने सीधा सीरियल से सीधा गोले भर दिए, बस मैंने यही किया, क्योंकि छोड़ना एक भी नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन है और उसमें माइनस मार्किंग है नहीं, तो मैंने सीधा भर दिया, एक भी छोड़ा नहीं मैंने। और जो क्वेश्चन पेपर पे तो जो मार्क कर रहे थे, कोई गलती से कोई मार्क कर रहे थे, उनका वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के वो बोल रहे थे कि डिसक्वालीफाई कर देंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा होता, लेकिन फिर भी कोई करता है तो वो दिक्कत हो जाती है, क्वेश्चन पेपर पर कोई मार्क ना करें। ठीक है, और उसके बाद में सीधा हमें ले जाया गया मेडिकल के लिए, दूसरी जगह ले जाया गया बस में बैठा के, हमें नाश्ता भी कराया था उन्होंने केला वगैरह से, और फिर मेडिकल के लिए लेके गए, वहाँ से मेडिकल हुआ हमारा, मेडिकल में भी
सब कुछ चेक किया हमारा, कुछ भी नहीं छोड़ा, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ चेक कर डाला। थोड़ा मेडिकल में जो हमारा 55 का सेकंड शिफ्ट के 55 में बंदे हमारे जो है 100-200 में से शायद 100-200 होंगे, 200 मान लो 200 में से सिर्फ 55 ही सिलेक्ट हुए थे और मेडिकल में हमें 55 वहाँ पे अटेंड हुए थे और उनमें से बस 15 को ही फिट किया गया और बाकी को सब को अनफिट कर दिया। ठीक है, और अनफिट भी कैसे हुए हैं वो रीमेडिकल के लिए, ये नहीं कि परमानेंट अनफिट कर दिया, नहीं, रीमेडिकल के लिए छोटी मोटी छोटी छोटी चीज़ों में रीमेडिकल दे देते हैं और फिर बोलते हैं ये टूट जाएगा, आराम से टूट जाएगा, वहाँ पे अहमदाबाद में टूट जाएगा। MH जामनगर वालों के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। MH वाला हॉस्पिटल जो है मिलिट्री हॉस्पिटल, जो मुंबई वालों के लिए अलग है, जामनगर वालों के लिए हैदराबाद वाला है, तो उसमें वहाँ पे उन्होंने बताया था कि उनको हमें जाना है और एक पोर्टल SBI की एक पोर्टल SBI कलेक्ट वाले पे हमें फॉर्म भरना है और वहाँ से हमें वो लेके जाके वहाँ से हमारा MS तोड़वाना है 21 दिनों के अंदर। तो ये बस जो हो रहे थे वो मेडिकल में बहुत ज़्यादा अनफिट हो रहे थे रीमेडिकल के लिए, और तो कुछ नहीं हुआ। बस मेडिकल में क्या हो रहा था कि सब कुछ चेक कर रहे हैं, जैसे कि जो नॉर्मल होता है सबको पता है मेडिकल में क्या हुआ था क्या होता है, सब कुछ चेक कर रहे हैं वो ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से बाहर से सब तरह के सबसे सब तरह से चेक कर रहे हैं, और छोटी सी भी गलती दिख रही है उनको, छोटा से भी कुछ भी दिख रहा है तो वो रीमेडिकल के लिए अप्रूव कर देते हैं, उसमें सीधा टिक कर देते हैं बस रीमेडिकल के लिए। ठीक है, तो उसमें कोई टेन हमें तो नहीं लगा कि इसमें कुछ है, क्योंकि वो रीमेडिकल में सबका वो बता रहे थे कि ये हो जाएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और बाकी फिर मेडिकल होने के बाद सीधा आपको हमें जो है तीनों शिफ्ट के साथ में बिठाया गया, क्योंकि सब सबको साथ में छोड़ रहे थे, एक एक को नहीं छोड़ रहे थे, फिर हमें तीन मतलब कि एक एक को बाद में बैठा के सबका क्लियर होने के बाद एक एक को छोड़ा गया बाहर, और फिर बाहर छोड़ने के बाद बस हो गया काम ख़त्म और हम आ गए।